अस्सलाम वालेकुम, सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद फाइक। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विटामिन से भरपूर गजाओं का इस्तेमाल, बनाए जिंदगी सेहतमंद और खुशहाल। पंजाब फूड अथॉरिटी और सेफ सिटीज अथॉरिटी के जेरे एहतमाम दफातर में काम करने वालों के लिए गजाई हदायत के हवाले से आगाही कैंप का इनेकाद। काम के साथ साथ सेहत का ख्याल रखने के हवाले से सेफ सिटी अथॉरिटी के मुलाजमीन की न्यूट्रिशन काउंसलिंग की गई। मुलाजमीन को तफसीली गजाई चार्ट्स, किताबचे और ऑफिस वर्क लोड के साथ बेहतर जिंदगी गुजारने के तफसीली हदायतनामे मुफ्त दिए गए। कार सवार हुआ हादसे का शिकार, वजह थी सिग्नल की खिलाफ वर्जी। अपने साथ दूसरों की जान की परवाह नहीं की, हादसा से बचना है तो करें कानून की पाबंदी। डीपीओ मलिक जमील जफर की जिला काउंसिल हॉल में पुलिस मुलाजमीन से मुलाकात। डीपीओ ने मुलाजमीन के मसाइल दरियाफ्त किए, काबले हल मसाइल के फौरी हल के अहकामात जारी किए। खुशाब में भांजे ने चची का कत्ल कर दिया। मुलजिम मोहम्मद अवैस ने अपनी चची इशरा बीबी को कत्ल करके इल्जाम अपने मुखालफीन पर लगा दिया था। मुलजिम गिरफ्तार, आलाए कत्ल बरामद। खुशाब पुलिस की जदीद खतूत पर तफ्तीश। मुजफ्फरगढ़ पुलिस थाना खानगढ़ ने शराब फरोश मोहम्मद सलीम उर्फ शीमा लाड़ गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 50 लीटर शराब बरामद। दूसरी कार्रवाई में सरू वाली पुल पर मुखबर की इतला पर मुलजिम सजाद हुसैन 1520 ग्राम भंग समेत गिरफ्तार। तीसरी कार्रवाई में मंशियात फरोश अब्दुल जबार बरानी 40 लीटर शराब समेत गिरफ्तार। मंशियात फरोशों के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां जारी। भक्कर पुलिस मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम में पूरी तरह मुतहरिक। दरिया खान से 100 लीटर शराब जबकि कलोर कोर्ट से 1050 ग्राम चर्स बरामद। जवारी भी रंगे हाथों धर लिए गए। थाना हुजरों की टीम ने केपीके से भारी मिकदार में नाजायज असलहा बरामद कर लिया। एसआई की जेरे निगरानी इंचार्ज चौकी आबिद अली ने जज इंटरचेंज सर्विस रोड पर नाकाबंदी की। सिंध की तरफ से आने वाली गाड़ी रोक कर पड़ताल करने पर कार के खुफिया खानों से भारी तादाद में असलहा बरामद। मुलजमान हसन शेर, बिलाल और सजाद खान सकना पिशावर को गिरफ्तार करके सरकारी मेहमान बना दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी और सेफ सिटी अथॉरिटीज के जेरे एहतमाम दफातर में काम करने वालों के लिए गजाई हदायत के हवाले से आगाही कैंप का इनेकाद किया गया। काम के साथ साथ सेहत का ख्याल रखने के हवाले से सेफ सिटी अथॉरिटी के मुलाजमीन की न्यूट्रिशन काउंसलिंग की गई, जिसमें 15 माहिर गजायात पर मुश्तमिल टीम ने मुलाजमीन को रोजमर्रा खुराक की अहमियत पर रहनुमाई फराम की। दफातर में सेहत बख्श खुराक की अहमियत को उजागर करने के साथ साथ ब्लड प्रेशर, वजन और फिटनेस के टेस्ट फ्री किए गए। माहिर गजायात का कहना था कि मतवाजन गजाओं का इस्तेमाल और जिस्मानी सरगर्मियाँ ही सेहतमंद जिंदगी की जमानत हैं। दफातर में चाय और कॉफ़ी के इस्तेमाल के साथ साथ पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल मामूल बनाएं। इस मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन ने कैंप का दौरा किया। ये थी हफ्ते की खबरें। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.psca.tv।